कपकोट नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में कपकोट के विकास को लेकर मंथन किया गया। बैठक में कपकोट में सेल्फी पॉइंट बनाने, कूड़ा वाहन क्रय करने सहित नाली निर्माण व पथ प्रकाश की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के दौरान सभासदों ने समस्याओं को रखते हुए उनके निदान की मांग की। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी ने किया। आज नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रेसिंग ग्राउंड कूड़ा घर में कंपेक्टर मशीन और एक कंचे की मशीन और कूड़ा घर से संबंधित जो भी उपकरण खरीदने हैं उन पर चर्चा हुई और सहमति बनी, एवं नगर के विकास से संबंधित जो भी विकास कार्य हैं उनमें भी सहमति हुई कि हर वार्डों से कुछ प्रस्ताव दिए जाएंगे बजट के अनुसार, एवं नगर में स्वच्छता एवं पथ प्रकाश पर भी चर्चा हुई और नगर पंचायत के पूर्व का जो बजट था उसका भी विवरण का उल्लेख किया गया और आगे भी निरंतर नगर पंचायत कपूर जो भी कपूर नगर पंचायत से संबंधित स्वच्छता पथ प्रकाश एवं ये कूड़ा घर से संबंधित एवं विकास कार्य से संबंधित जो भी कार्य होंगे। आज हमारे नगर पंचायत कपूर के जो है कार्यालय में आज एक बोर्ड मीटिंग हुई हमारे, इसके लिए हमारी मीटिंग में सम्मानीय हमारे जो है सभासद साहब और हमारे माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी की जो है उपस्थिति में ये बोर्ड मीटिंग हुई। इसके लिए भी जो वो है मुद्दों पर जो है विचार किया गया है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है हमने कई जो वो है जैसे कि हमारे नगर पंचायत के जो है विकास के लिए जो है हमने कई मुद्दों पर बातचीत की है। इसके अंदर हमारा एक और भी है जो इसमें हमारा जो है बिल्डिंग का भी जो है चल रहा है इसमें हमारा नगर पंचायत कपकोट की बोर्ड की बैठक हुई है। कार्यालय में नगर पंचायत के सभी सम्मानित सभासदगण, अधिशासी अधिकारी श्रीमान नवीन कुमार जी की उपस्थिति में बोर्ड की बैठक हुई है। इसमें जो वित्तीय वर्ष के 15वें वित्त में जो भी अनुदान नगर पंचायत कपकोट को मिला है, चाहे वो 15वें वित्त के रूप में हो या पंचम राज्य वित्त के रूप में हो, उसी के सापेक्ष सभी सभासदों द्वारा प्रस्ताव बनाए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण काम जो नगर पंचायत क्षेत्र में होने हैं। जैसे आज नगर पंचायत के पास सीमित संसाधनों के बावजूद नगर पंचायत कपकोट स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है, जो लोग भी कह रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में इस वित्तीय वर्ष में हम भी चाह रहे हैं कि नगर पंचायत को एक कूड़ा वाहन जो बहुत ज़रूरी है, हमारे पास दो गाड़ियां पहले से हैं लेकिन उसमें से एक गाड़ी बहुत गेंदहीन हालत में है, इसलिए इस वित्तीय वर्ष में इस मद से एक डंपिंग वाहन और जिस प्रकार से नगर पंचायत लगातार पॉलिथीन निर्मूलन के काम नगरीय क्षेत्र कपकोट में कर रही है, उसी के सापेक्ष हम एक कपड़ा वेडिंग मशीन जो कि नगर क्षेत्र में बाजारी क्षेत्र में लगाया जाएगा, इस वर्ष कपकोट ये भराड़ी मार्केट में उस मशीन को लगाने का प्रावधान करा गया है। इसमें से लोग एक 10 रुपये के कॉइन डाल के उस मशीन में 10 रुपये की कॉइन डालेंगे और नीचे से एक बढ़िया सा कपड़े का बैग उसमें से निकलेगा और इससे जहां लोग पॉलिथीन का कम से कम क्या बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे ऐसी मुझे आशा है, और उसके बदले उनको कपड़े का जो बैग होगा वो मुहैया करा जाएगा। दूसरा, नगर पंचायत की बोर्ड की इस बैठक में आज यह भी तय करा गया है कि जितने भी जिला योजना में नगर पंचायत के द्वारा प्रस्ताव दिए गए उनके जो भी काम जिला योजना के माध्यम से होते हैं चाहे किसी भी विभाग से हो, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई नगर पंचायत के द्वारा जितने प्रस्ताव दिए गए हैं जिला पंचायत जिला योजना में, उन योजनाओं के काम जब भी शुरू हो तो नगर पंचायत को भी विश्वास में लिया जाए और नगर पंचायत के से पूछ लिया जाए कि भाई आपने ये काम चलाए थे और ये काम को कहाँ से करना है। इसलिए हम भी जो हमने योजनाएं चला रखी हैं जिला योजना में उसमें बढ़िया तरीके से काम ले पाए, और इस बीच शासन की तरफ से भी हर नगर पंचायत को पिंक टॉयलेट बनाने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में हम भी इस साल भराड़ी में
महिलाओं की स्वच्छता को देखते हुए नगर पंचायत में पिंक टॉयलेट का निर्माण कर जनता को समर्पित करेंगे। और जिस प्रकार से हमने पिछली बार भी आम जनमानस की सुविधा के लिए भराड़ी टैक्सी स्टैंड से सीएसडी कैंटीन तक ई रिक्शा चलाने का जो प्रावधान था हमारा, जिसमें हमें आरटीओ से भी स्वीकृति मिल गई थी, अब इस बीच हम चाह रहे हैं कि कम से कम दो ई रिक्शे जो टैक्सी स्टैंड भराड़ी से सीएसडी कैंटीन फाइबर तक चले। बहुत जल्द हम नगरीय क्षेत्र में आम जनता की सुविधा के लिए ई रिक्शे का संचालन भी करेंगे। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।